अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, मैं बैठी हुई थी रात को, तो मुझे लेट नाइट जो है ना बहुत ज़ोर का कीड़ा काटा मेकअप करने का। पता नहीं क्यों मैं ऐसे रेडी होकर बैठ गई। मैंने कहा चलो अब वीडियो शूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो एक मैंने लुक देखी तो मुझे बड़ी कोई अच्छी लगी यार। एक्चुअली ये कलर मेरा फेवरेट है आजकल, कुछ मस्टर्ड सा, कुछ येलो सा। मैंने कहा चलो इसको करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो सबसे पहले जो है ना, ये मैंने प्राइमर लिया, एसेंस का प्राइमर है, क्ले क्ले वाला प्राइमर ये। तो इसको लगा के ना, एक तो ये बड़ा ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको लगा के, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश और बड़ा सूदिंग है ये। और प्लस ये कि बहुत रीज़नेबल है। अच्छा, इस वीडियो में जो है ना सारे प्रोडक्ट्स जो जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी अगर कोई परचेज़ करना चाहे। और ये बोर्जो का मेरे पास है फाउंडेशन। अब ये रेगुलर बेसिस पे मैं ये यूज़ करती हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कोई पार्टी वगैरह पे जाना है या किसी दावत वगैरह पे जाना है तो फिर मैं जो हूँ हाई एंड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ समटाइम्स, लेकिन जो है वो ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो ज़रा स्टे ज़्यादा देर तक करता है। ये भी स्टे ज़्यादा देर तक करता है अगर तमीज़ से लगाया हुआ हो। अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉपर तरीके से लगाना नहीं आता तो फिर ये जो है ना हटना शुरू हो जाता है। तो बस प्राइम करें, मॉइस्चराइज करें, उसके बाद लगाएगा, सही हो गया। इसको ब्लेंड ब्लेंड करेंगे। मेरे पास कबूकी ब्रश है, ये मैंने H&M से लिया था और यार ये मुझे इतना पसंद है ना, बस मैं फाउंडेशन भी इससे लगा लेती हूँ, इससे मैं पाउडर भी इससे लगा लेती हूँ, सब कुछ मैं इससे लगा लेती हूँ। मेरा बस चले तो कंटूरिंग भी मैं इसी से कर लूँ, मुझे बड़ा अच्छा नन्हे मुन्ने से इतना क्यूट लगता है ये। तो बस उसको अच्छे से ना मैंने सारा जो है लगा लिया। ये देखें फ़र्क देख सकते हैं यार, मैं पता नहीं इतने ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है मेरे मुँह के ऊपर, तो शायद ये गर्मियों का गिफ्ट है। पर खैर कोई बात नहीं, स्किन केयर पे भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। आजकल तो स्किन का हशर नशर हुआ मैंने, तो बस क्या करें। फिर ये मेरे पास लूज़ पाउडर है मैक्सोना का, ये मैंने यूज़ किया भाई और बस छोड़ दिया मैंने लगा के। और फिर मैं ब्राउज़ फिल कर रही हूँ। यार इस पेंसिल का क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ इस पेंसिल का क्या नाम था, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख दूँगी। यार देखो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी से तुम लोग मेरी वीडियो ना लाइक करना भूल जाओ, जल्दी से पहले लाइक कर दो और इसको शेयर भी कर दो, ये चीज़। थैंक यू। चले भाई ब्राउज़ फिल करते हैं। तो बस मैं इस तरह से ब्राउज़ फिल करती हूँ, आप देख लेना, बस मैजिक करती हूँ अपनी ब्राउज़ के साथ। मेरी तो मतलब बेचारी बिल्कुल है ही नहीं, गायब है, ट्रैक से ही गायब है मेरी तो फिर मुझे इस तरह करना पड़ता है, वरना जो है मैं ब्लैक हिन्ना से भी जो है वो कलर करती हूँ समटाइम्स, तो वो ज़रा ज़्यादा देर तक रहता है और फिर मुझे इतनी ज़्यादा रोज़ रोज़ फिल नहीं करती। ये मैं तब करती हूँ जब मुझे स्कूल वगैरह जॉब जब स्टार्ट हो जाती है तब करती हूँ, तो फिर सुबह सुबह उठ के फिर ये ब्राउज़ फिल करने वाला झंझट नहीं रहता, बस सो रहता। ये तो हैदराबादी टच आ गया। तो बस मिड में थोड़ा सा डार्क डार्क रखती हूँ और फिर आप लोग देख रहे हैं इस तरह से ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट बन जाती है। पेंसिल आप कोई भी लें, किसी भी ब्रांड के लिए, बस ये तरीका यूज़ करेंगे ना तो आपकी ऐसी मियाँ मियाँ आईब्राउज बनेंगी ना कि ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा फिर ये जो है आँखों की कार्रवाई के लिए जो है ना कंसीलर मैं लगा रही हूँ। मेरे पास NYX का कंसीलर है, शेड पता नहीं क्या है यार उसमें, एक्चुअली वो पैलेट है उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो इसको अच्छे से ब्लेंडू कर देंगे इस तरह, सही है ब्यूटी ब्लेंडर से। तब यहाँ मैंने कबूकी ब्रश यूज़ नहीं किया क्योंकि ये जो NYX का है ना कंसीलर ये थोड़ा सा थिक है। उसके बाद जो है जी कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। मैं ग्लैमरस की जो है मेरे पास पैलेट है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ब्राउन कलर का शेड जो लगा रही हूँ पूरी की पूरी अपनी आँख पर, ठीक है। तो आपने पूरी की पूरी आँख में फैला देना है, चाहे तो उंगली से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखें जैसे मैं उंगली से लगा रही हूँ, कोई रूल्स नहीं होते मेकअप में यार, अपने बस दिल से किया करो। और अगर कोई कुछ बोले ना तो बस बोलने दिया करो। यार सुबह सुन रहा जरूर मस्तियाँ सोच रही, सॉरी गाइस। अच्छा तो तमीज़ के दायरे में आ जाती हूँ दोबारा से। तो ये मैंने येलो कलर का फिर मैंने शेड लगाया है अपनी पूरी फिंगर से, सही है। और मैंने आप देख सकते हैं इस तरह इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ और फिर एंड पे मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है और फिर ये मैं ब्राउन के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा मैं पूरा अच्छे से ब्लेंड करूँगी जब तक ऑरेंज शेड नहीं आता, तो एक बड़ा मज़े का सा जो है ना वो लुक क्रिएट हो जाएगा। जो मैंने देखा था उसमें खैर ग्लिटर नहीं थी, लेकिन मेरा दिल चाहता है ग्लिटर लगाने का, आई लव ग्लिटर। तो ये मैंने ग्लिटर भी लगा ली फिर येलो कलर की, नहीं मस्टर्ड थी, मस्टर्ड, हाँ तो मस्टर्ड कलर की मैंने ग्लिटर लगा लिया, ठीक है। आप लोग बताइए यार आप लोगों के साथ कभी ऐसा सीन होता है कि आप लोग बैठे हो और आपको बैठे बैठे किसी चीज़ का कीड़ा काट जाए, लाइक
परसों या कल मैं किचन साफ़ करने घुस गई थी क्योंकि मैं बस ऐसे ही दिल में आ रहा था, फिर आज मैं ये काम करने बैठ गई बस ऐसे ही दिल में आ रहा था। आप लोग बताएं आपके साथ ऐसा होता है? फिर उठ के करना भी शुरू हो जाता है। माशाल्लाह हम औरतें इतनी अजीम होती हैं ना, मतलब जो दिल में आया वो कर लेती हैं। फिर ये अगेन मेरे पास, हाँ शुक्र मुझे दिख गया, ये बोर्ड जो की पेंसिल है मेरे पास, कोल पेंसिल है, ठीक है। इतनी यार ये कोई ज़बरदस्त पेंसिल है ना, ये आप ज़रूर लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं फैलती। अब देखिए मैं आपको इसको किस तरह लगा रही हूँ। ये चूँकि मेरी आंखें नन्ही मुन्नी हैं ना, इसलिए मैं इस तरह लगा रही हूँ। अगर तो आपकी बड़ी बड़ी हैं तो आप पूरी भर भर के लगा लें, कोई मसला नहीं। ये मैं जस्ट आँखों को जो है ना ऐसी शेप दूँगी कि वो बड़ी लगें इसी काजल से। लेकिन बहुत ज़बरदस्त है यार, अमेजिंग काजल है ये, आप ज़रूर बाय कीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिल्कुल नहीं फैलता ये। उसके बाद जो मैंने अपने ब्रश पे जो है एंगल एक ब्रश लिया, उसके ऊपर जो है मैंने ब्लैक कलर का शेडो लगाया और उसी से मैं इसको ब्लेंडू कर रही हूँ। ब्लेंडू वर्ड पता नहीं कहाँ से सीख लिया यार, उसको ब्लेंडू कर लेंगे और इसकी ना नोक निकाल देंगे साइड से। ऐसे नोक निकाल देंगे और बस ये हमारी लुक कंप्लीट हो गई। लिपस्टिक अपनी पसंद की लगाएं, हाइलाइटर लगाएं, थोड़ा सा हाइलाइटर पाएँ और फ़ोटो वोटो खींचें और फिर मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, लाइक करना नहीं भूलना, बता रही हूँ मैं।